स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी को बताने से इनकार कर दिया है जिसके तहत इलेक्टोरल बॉन्ड्स बेचे और भुनाए गए। इस बॉन्ड्स को एसबीआई के ऑथराइज्ड ब्रांचों ने जारी किया गया था। एक आरटीआई के जवाब में एसबीआई ने कहा कि कुछ चीजें कॉमर्शियल कॉन्फिडेंस के तहत आती हैं। एसबीआई की तरफ से कहा गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 की एसओपी हमारे ऑथराइज्ड ब्रांच के लिए समय समय पर जारी की गई। बॉन्ड्स को कैसे बेचे जाना है इसको लेकर बकायदा इंटरनल गाइडलाइंस थी। इसके मायने ये है कि ये गाइडलाइंस संस्थान का अंदरूनी मामला है। इसे आरटीआई एक्ट की धारा 81D के तहत छूट मिली हुई है। वहीं ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज ने आरटीआई दायर की थी जिसमें जानकारी मांगी गई कि एसबीआई की ऑथराइज्ड ब्रांचों से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जारी करने की एसओपी क्या थी। एसबीआई ने आरटीआई में छूट का हवाला दिया, कहा आरटीआई एक्ट के सेक्शन 81D के तहत व्यवसाय से जुड़ी जानकारियां यानी कि कमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को छूट मिलती है। इनका खुलासा होने पर संस्था की व्यावसायिक स्थिति को नुकसान हो सकता है। खुलासा तभी किया जा सकता है जब तक कि सक्षम प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि जनहित के लिए ऐसी जानकारी सामने आना जरूरी है। आपको बता दें एसबीआई ने 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि उसे चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी सौंप दी है। एसबीआई ने कहा कि नई जानकारी में बॉन्ड्स के सीरियल नंबर भी शामिल हैं। पिछली बार इनकी जानकारी नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के चेयरमैन को फटकार लगाई थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।